एशिया कप की टीम देखकर भड़क गए भारतीय टीम के दिग्गज, कह डाली ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपके मुताबिक क्या टीम इंडिया पाकिस्तान को पहले ही मुकाबले में हरा पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एशिया कप 2022 का आगाज इसी महीने होने जा रहा है। 27 अगस्त से एशिया कप की शुरुआत होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाना है। आपको बता दें कि एशिया कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई की चयन समिति ने सोमवार देर शाम को भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने इस टीम को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं टीम थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। अब एशिया कप 2022 के लिए भारत की इस 15 सदस्यीय स्क्वाड को देखकर भारतीय टीम के कई दिग्गजों ने इस पर अपना बयान दिया है। वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि भारत की ये टीम काफी कमजोर नजर आ रही है। खासकर हमें पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलना है, जिनसे हमें पिछले बार हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में इन दिग्गजों का मानना है कि बल्लेबाजी क्रम तो भारतीय टीम का काफी मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन गेंदबाजी में भारतीय टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में एशिया कप में भारतीय टीम को गेंदबाजी के कारण कहीं हार का मुंह देखना न पड़ जाए। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।